Laughter is highly contagious. So are we. If you are an important person in your organization and part of your effectiveness stems from your ability to never smile and always maintain a constipated grimace, or if your personal circumstances require you to not appear happy, please avoid contact with the show or anyone who may watch it or be watching it regularly. Prolonged exposure to the show can lead to brain humor. It may take years of college education or sustained exposure to corporate jargon before your sense of humor starts subsiding and you stop seeing the funny side to everything. Hi, my name is Vivek Vishwam. I paid 5,000 bucks to be here tonight. And there's no respect for talent. Plus, they charge a lot more for boys. Bad ones. क्या चूतियागिरी कर रहे हैं यार तुम लोग? यही है, हिंदुस्तान में बिना गाली के कोई बात सुनता ही नहीं है। नहीं, वैसे हमको अक्सर कंप्लेंट्स आती है कि इस शो पर गालियां कुछ ज्यादा हो रही हैं, पर आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, कसम से कहिए कि आप खुद दिन में ज्यादा गाली देते हैं या हफ्ते भर में हम? बोलिए। आई डोंट नो कि लोग गालियों को लेकर इतने सेंटी क्यों होते हैं। इट्स जस्ट अ मिक्सचर ऑफ डेली लाइफ रिलेशंस एंड एक्ट्स। हाँ, इधर से एक रिश्ता उठाया, उसमें सेक्स जोड़ा, बन गई गाली। वैसे कुछ इनोवेटिव गालियां भी होती है, हाँ? जैसे बनारस की स्पेशल भोसड़ी का। आई डोंट नो व्हाट इट मींस, स्ट्रेंज सी गाली है ना, भोसड़ी। बट आई थिंक इट गोज वेल विद सम स्ट्रेंज लीडर्स। एक्चुअली गाली और इंसान का वही रिश्ता है जो अच्छी फ्रेंच वाइन और चीज का है। एक तरह से इंसान के लिए एक तरह की गाली ही यू नो सूट होती है। एंड इट टेक्स एन एक्सपर्ट विद ग्रेट टेस्ट टू नो कि किसको कौन सी गाली फिट बैठती है। इट्स लाइक यू नो एन अब्यूसिव कॉनेसोर। और आपका काम आसान करने के लिए ही इज द जय हिंद मैनुअल ऑफ गाली। जैसे कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए कोई भी गाली जिसमें चोद आता हो। मिसाल के तौर पर चल केदार बोल बेंच जॉय मादर हाथी चुद। हाथी चुद क्या हो? एनीवे जो भी है, दैट्स ऑल दे डू, स्क्रू द नेशन विच इज लाइक देयर फैमिली। एक्टर्स एंड अदर सेलेब्स के लिए चूतिया इज परफेक्ट। यार मैं भी तो एक्टर हूं। एनीवे सर, चूतिया इज परफेक्ट। ये लोग भोले वाले होते हैं, ये ना जनरली स्टूपिड, और जनरली तो इतने स्टूपिड कि इससे बड़ी गाली वो समझ भी नहीं सकते। एंड देन देयर इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, इट्स लाइक द इंडियन डेमोक्रेसी का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ये किसी भी पार्टी में फिट हो सकता है, जैसे कि यू कैन ड्राइव अ फकिंग कार ऑन द फक्ड अप रोड एनीमोर बिकॉज द fuckers who should have repaired it are fucking sleeping. Okay, fuck it. Okay, I think आज की गालियों के लिए मतलब आज का कोटा गालियों का खत्म हो चुका है, बट बाकी है the monk who sold his brains and our very own mango man after this break.